एक बार आप इस तरीके से कढ़ी पकोड़ा बना के देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा और आप हर बार इसी तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कढ़ी के लिए पकोड़ा बना लेते हैं। बाउल में मैं एक कटोरी बेसन डाल देती हूँ, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चुटकी बेकिंग सोडा, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच जीरा, और इसे आप अच्छे से मिला ले। फिर मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूंगी और पकोड़े के लिए बैटर तैयार कर लेती हूँ। इसे मैं आपको चम्मच से दिखा देती हूँ, ऐसी कंसिस्टेंसी आपको रखनी है पकोड़े बनाने के लिए। इसे मैं ढक के 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देती हूँ। 10 मिनट हो गए हैं और बैटर जो है वो अच्छी तरीके से सेट हो गया है। तेल मैंने रखा था गर्म होने के लिए और तेल भी अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। तो अभी मैं एक-एक करके सारे पकोड़े डाल दूंगी फ्राई होने के लिए। इसे हम दोनों बाजू से उलट पुलट के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। इसे हमें स्लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। ये देखिए, ये अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। पकोड़े हमारे बनके तैयार है। तो अभी हम कढ़ी बना लेते हैं। कढ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं घोल तैयार कर लेती हूँ। तो एक बाउल में मैं एक कटोरी बेसन डाल देती हूँ, फिर इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और घोल तैयार कर लेंगे। घोल तैयार है। कढ़ाई में मैं डाल देती हूँ 3 से 4 चम्मच तेल। तेल अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। आधा छोटा चम्मच मेथी डालेंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा, फिर इसमें मैं बेसन का घोल डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। इसमें मैं 4 से 5 ग्लास पानी डालूंगी, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसे मैं अच्छे से मिला लेती हूँ। बाउल में मैं एक कटोरी दही डाल देती हूँ। खट्टी दही का यूज किया है मैंने, आप भी खट्टी दही लें। फिर इसमें मैं आधा ग्लास पानी डालूंगी और अच्छी तरीके से फेंट लूंगी। और अभी मैं कढ़ी में दही डाल दूंगी जो मैंने फेंट के रखा है। जब कढ़ी खट्टी रहती है तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी और इसे हमें 10 मिनट के लिए स्लो मीडियम फ्लेम पे पका लेना है। 10 मिनट हो गए हैं तो अभी मैं इसमें पकोड़े डाल दूंगी और इसे भी अच्छे से मिक्स करके लेना है। और इसे मैं ढक के स्लो मीडियम फ्लेम पर 20 मिनट के लिए पका लूंगी। 20 मिनट हो गए हैं और कढ़ी जो है वो अच्छे से पक गई है और गाढ़ी भी हो गई है और इसकी क्वांटिटी जो है वो बहुत ही कम हो गई है। तो इस स्टेज पे हमें गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है। कढ़ी पकौड़ा बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।